दोस्तों, स्वागत है आपका गेम प्रो चैनल में। आज हम सीखेंगे कि हमने अपना सर्वर कैसे सेटअप करना है अगर हम नेट थ्रो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सबसे पहले प्ले पे क्लिक करिए, देन प्ले विद बॉट सेलेक्ट करिए, फिर एक मैप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आप नेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैप सिलेक्शन के बाद जो हमने सर्वर बनाना है वो विदाउट बॉट्स बनाना है, तो नो बॉट सेलेक्ट करके सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। अब कंसोल खोलिए और सबसे पहली कमांड sv_cheats1 करके एंटर कर दीजिए। ये कमांड हम लोकल सर्वर में ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने प्ले ऑफलाइन विद बॉट्स चूज किया था। नेक्स्ट कमांड होगी हमारी वार्म अप राउंड को एंड करने के लिए mp_warmup_end। राउंड स्टार्ट होते ही जो फ्रीज टाइम होता है उसको बंद करने के लिए हम कमांड लगाएंगे mp_freezetime_0। कैजुअल सर्वर में जो राउंड टाइम होता है वो 2 मिनट होता है, उसको बढ़ाने के लिए हम कमांड लगाएंगे mp_roundtime_60। ये कमांड है अगर आपने कोई हॉस्टेज वाला मैप चूज किया है, और अगर आपने डिफ्यूज वाला राउंड चूज किया है तो कमांड है mp_roundtime_diffuse_60। जो 60 है वो मिनट्स हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है जो एक राउंड की हो सकती है। जो नेक्स्ट कमांड है mp_limit_teams_0, किसी एक टीम में कितने भी प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टीम बैलेंस को बंद करने के लिए हम कमांड लगाएंगे mp_auto_team_balance_0। आइटम्स बाय करने के लिए हमें मनी चाहिए होती है, इसलिए हम मनी की कमांड लगाएंगे mp_maxmoney_60,000, 6 के साथ 40। 60,000 मैक्सिमम मनी है जो कि ये गेम मोड हमें दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी लगाएंगे तो 60,000 ही मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। गेम की स्टार्टिंग में ही $60,000 लेने के लिए हम कमांड लगाएंगे mp_startmoney_60,000। पूरे राउंड में कभी भी बाय करने के लिए हम ये कमांड लगाएंगे mp_buyTime_9999। इससे हम पूरे राउंड में कभी भी बाय कर सकते हैं। मैप में किसी भी जगह पे बाय करने के लिए हम कमांड लगाएंगे mp_buy_anywhere_1। इससे हमें कुछ भी बाय करने के लिए स्पॉन पे नहीं आना पड़ेगा। ये तो थी राउंड की सेटिंग, अब हम वेपन्स और वेपन स्लॉट के लिए सेटिंग्स करते हैं। अनलिमिटेड एमओ लेने के लिए हम कमांड लगाएंगे sv_infinite_ammo_1। क्योंकि हम नेट्स थ्रो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपने ग्रेनेड्स स्लॉट बढ़ाएंगे, उसकी कमांड है ammo_grenade_limit_total_5। इस कमांड से हम एक ही बार में 5 ग्रेनेड अपने इन्वेंट्री में रख सकते हैं। थ्रो किए हुए नेट का रास्ता ट्रैक करने के लिए हम कमांड लगाएंगे sv_grenade_trajectory_1। वो ट्रैकिंग लाइन हमें 15 सेकंड्स तक दिखती रहे उसकी हम कमांड लगाएंगे sv_grenade_trajectory_time_15। नेड या बुलेट की हिट वाली जगह को हाईलाइट करने के लिए कमांड है sv_show_impacts_1। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये सारी कमांड्स लगाने के बाद हमको एक बार गेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी कमांड है mp_restartgame_1 और एंटर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 59 मिनट्स का ये राउंड है और स्टार्टिंग मनी है 60,000। अब हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, 5 ग्रेनेड हम बाय करेंगे और वो हमारे स्लॉट्स में रह जाएंगे क्योंकि हमने अपना लिमिट बढ़ा के 5 कर दिया था। नेट्स बाय करने के लिए कीज़ को कैसे बाइंड करते हैं वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, और नेट स्विच करने के लिए कैसे की बाइंड करते हैं वो भी मैं उस वीडियो में बताऊँगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ग्रेनेड ट्रैजेक्टरी है जो पाथ ट्रैक करता है, और ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो इम्पैक्ट्स हैं कि वो नेट और बुलेट कहाँ पर हिट किया था। राउंड में वॉल्स और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू नेट्स को ट्रेस करने के लिए मैं स्लैश की को बाइंड कर रहा हूँ नो क्लिप के साथ। ये एक टॉगल बाइंड है, जब मैं स्लैश दबाऊंगा तो नो क्लिप एक्टिव हो जाएगा और दोबारा स्लैश दबाने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि हम इस स्मोक नेट को फॉलो करेंगे, नो क्लिप एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, सारे इम्पैक्ट्स और ट्रैजेक्टरी हमें दिख रहे हैं। ये एक पॉप फ्लैश
ट्रेजेक्ट्री और वो कहाँ पे ऑफ होगा वो दिखाई दे रहा है। स्टेयर्स को स्मोक करने के लिए जो एक कॉमन स्मोक है उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, और जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके मिडल में क्रॉस हेयर रख के सिंपल थ्रो कर देंगे। स्मोक सीधे आके स्टेयर्स पे ऑफ होगा, जो भी प्लेयर स्टेयर्स पे पैलेस को देख रहा होगा वो उसे नहीं देख पाएगा, ये कॉमन स्मोक स्पॉट है। ऐसे ही बी से एप्स को स्मोक करने के लिए इस स्पॉट पे आइए और ये डार्क स्पॉट पे क्रॉस हेयर रख के सिंपल थ्रो कर दीजिए। ये थोड़ा सा स्मोक गलत हो गया, इसी जगह पे ट्रैजेक्टरी हमारे काम आ रही है, हमें थोड़ा सा लेफ्ट करके फेंकना पड़ेगा स्मोक को। यहाँ पे आएंगे, देखिए दिख रहा है कि वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, हमें थोड़ा सा लेफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा लेफ्ट और थ्रो कर देंगे, और ये एक परफेक्ट स्मोक। ये एप्स में पुश ब्लॉक करने के लिए एक परफेक्ट स्मोक है। इस स्मोक की जगह पे हम मॉली या फिर इंसिडियरी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You should. Yeah. Oh, yeah.